जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह संस्थान में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, आपको पता है 24 सितंबर से इसका एग्ज़ाम होना है, और अभी से अगर आप डे जोड़ते हैं तो अप्रॉक्स आपके पास 35 से 40 दिन के लगभग का समय बचा हुआ है, और इसके दो फेज हैं आपको वहाँ तक पहुँचने का, अपने गोल तक पहुँचने का। एक तो प्राइमरी फेज हो गया कि आप पहला चरण का एग्ज़ाम इसको कैसे क्रॉस करते हैं, यानी कि पीटी एग्ज़ाम, जो रिटन एग्ज़ाम आपका होना है, और इसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होना है। तो मेरिट तो आपका निश्चित रूप से फिजिकल के आधार पर ही बनेगा, और निश्चित रूप से जो स्टूडेंट बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से फील्ड भी जाना प्रारंभ कर दिए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो वैकेंसी आपकी है 21,300 के लगभग वैकेंसी है, जो अब तक के बिहार के इतिहास में बिहार पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और निश्चित रूप से ये आपके लिए भी, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भरे हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है, अगर आप इसमें सेलेक्शन ले पाते हैं या अपना एक स्थान पक्का कर पाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है एक स्थान प्राप्त करना, बशर्ते कि आपका टारगेट जो हो निश्चित रूप से इस तरह का टारगेट हो कि योजनाबद्ध तरीके से आप उसको अचीव करें, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। क्योंकि जहां लाखों छात्र बैठेंगे और इतने उस हिसाब से हजारों में वैकेंसी है, तो आपका जो गोल बनाएंगे, कितना बेहतर गोल अपना तय करते हैं, उसी पर आपका सिलेक्शन भी तय होगा। तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो किस तरह का प्रश्न पत्र रह सकता है आपका, और जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है अगर उससे हम कंपेरेटिवली देखते हैं तो थोड़ा सा इस बार अंतर हम पाते हैं। पहले क्या होता था कि इसका क्वालिफिकेशन जो था 12th तय किया गया था, कि 12वीं लेवल तक के क्वेश्चंस हम या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, 12th लेवल तक इसका स्टैंडर्ड तय किया गया था। लेकिन इस बार जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें स्पष्टतया शुरुआत में ही ये तय क्या कर दिया गया है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत अप टू 10th लेवल तक के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। इसका साफ मतलब होता है कि अगर बिहार के स्कूल में जो बुक्स चलती है, अगर उसको हम 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक के बुक को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन में लगभग 80 प्रश्न जीएस सेक्शन से आपका रहना है, बाकी 20 प्रश्न में आपका हिंदी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, तो उन सेक्शन से आपका 20, लेकिन मेन तो 80% जिस सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा उसका इंपॉर्टेंस रियल में बहुत ज़्यादा होना है। और यहाँ पर भी आप पाएंगे कि लगभग 70 क्वेश्चन जो होगा वो आपके बिहार SCERT के बुक से ही पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स वगैरह आपका रहेगा। तो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है ये 70 क्वेश्चन फोकस करना, जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाना है। और योजनाबद्ध तरीके से पहले तो हम बता दें कि इसके दो पहलू हैं, एक आप खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं, और दूसरा क्या कि हमारे माध्यम से अगर आप इसकी तैयारी चाहते हैं तो वो कैसे संभव है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में और मिनिमम टाइम देते हुए कैसे योजनाबद्ध तरीके से अपने गोल को हम अचीव करें। तो पहले हम ये बताते हैं, जो भी बातें हम बोलेंगे वो दोनों मोड के लिए होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्लास करके ही या जो बैच हम अनाउंस करने वाले हैं वो करके ही आप पूरी तरीके से गोल को अचीव कर सकते हैं। आप खुद से भी अगर उतना कर पाएंगे, निसंदेह आपका गोल अचीव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लेकर के कुछ इसमें PPT लगा हुआ है, आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत बातें आपको ज्ञात होगी। आप देख रहे हैं कि ये जो बुक्स हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो टोटल लगभग 35 बुक किताब होगा आपका, टोटल 35 बुक्स हो जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी 8 सब्जेक्ट में 4 और साइंस में 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब आप जोड़ लीजिए कि 6ठी क्लास से 10वीं क्लास का मतलब होता है कि 5 क्लास का मतलब हुआ 5 बुक्स। आप जोड़ लीजिए कि पेपर कितना है, टोटल 7 पेपर है, 3 साइंस का, 4 आर्ट्स का, अब 5 गुना 7 आप कर दीजिए, टोटल 35
बुक का निचोड़ इस बैच में हम आपको देने वाले हैं। इसमें हम क्या कराने वाले हैं, तो ये 3500 बुक में भी कि आपको इतने कम समय में पढ़ना थोड़ा सा कष्टदायक लगे, लेकिन अगर इसी का निचोड़ को हम अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से पूरा डिटेल करा देते हैं और उसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो परेशानियां निश्चित रूप से आपकी बहुत कम हो जाएगी। इसमें हमारा जो सोच है, जैसे आप छठे क्लास का एससीईआरटी के बुक्स को उलटिएगा, खास करके भारती भवन जो एससीईआरटी पर बेस्ड होता है, तो उसमें क्या होगा आपका कि जो टॉपिक दिया हुआ है तो टॉपिक में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अलग है और मैच करने वाला क्वेश्चन अलग है, और आगे चल करके छठा से आठवां के बाद, आठवें क्लास के बाद आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव इस तरह से क्रिएट हुए हैं, पहले हम आपका पीडीएफ उसका दे दें और अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से पूरे बुक के कलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस को आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम कराते चले जाएं 3500 बुक का। तो गारंटी मानिए कि अगर 35 बुक का सब सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा इस समय पूरा डिटेल डिस्कशन करा देंगे, एक भी क्वेश्चन कैसे छूटेगा। ये सिर्फ बिहार पुलिस में ही आपको फायदा नहीं करेगा, बल्कि बिहार दरोगा दें या कोई भी वैसा एग्जाम दें और स्टेट लेवल की भी कोई वैकेंसी आती है, तो ये सब के लिए 100% फायदेमंद होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी जनरल कंपटीशन है तो बेस आपका 9-10 ही होता है, और या उसको आठवां से दसवां कहिए, छठा से दसवां कहिए, अगर 6th क्लास से 10th क्लास तक को पूरी तरीके से हम बेहतर तरीके से पढ़ाई एक बार कर लें, अच्छे से रिवीजन कर लें, तो प्रश्न आपकी छूटने की 0% उम्मीद रहेगी, 100% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और उसी मोड में हमको आगे बढ़ना है। और अब इसको देखें कि बैच के बारे में क्या है, तो आप देख रहे हैं बैच के बारे में कि ये ऑनलाइन मोड में भी बैच होना है और ऑफलाइन मोड में भी बैच होना है। तो ऑफलाइन जो इसका फी है, पहले फी बताते हैं फिर बैच कब स्टार्ट होगी। अभी हमारा 15 अगस्त को लेकर के एक ऑफर आया है जिसमें 999 रुपया 35 बुक का 999 हमारा था, उसको भी हम आधा कर दिए हैं ऑफलाइन में, मात्र 499 रुपया आपको लगना है। अब 499 में 35 से भाग दीजिए, एक बुक का 12 से 13 रुपया मात्र पड़ा, एक बुक का 12 से 13। अब आप समझ सकते हैं कि इससे सस्ता क्या संभव है। उसी में आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन मोड में इस 499 को भी हम कम करके मात्र 299 रुपये में 35 बुक्स, यानी टोटल 35 बुक्स का पूरा निचोड़ हम कराने वाले हैं। इससे और क्या सस्ता संभव है, जबकि 7 सब्जेक्ट और अलग अलग फैकल्टी के द्वारा। और ये जो बैच होगा, ये बैच हमारा स्टार्ट चलेगा, जो आप ये बैच हमारा स्टार्ट होगा, शुरू में ही हम लिख दिए थे, ये 16 अगस्त से ये बैच प्रारंभ होगा, 16 अगस्त से ये बैच प्रारंभ होगा, 16 अगस्त से ऑफलाइन मोड। और इसका टाइमिंग जो होगा, सुबह 6 बजे शाम में 6 से 9 पीएम ऑफलाइन, और सेम बैच आपको ऑनलाइन भी मिलेगा सेम टाइम में, 6 से 9 बैच का टाइम भी आपका लिखा हुआ है, 6 बजे से 9 बजे तक, मात्र 299 रुपया में ऑनलाइन और 499 में आपको ऑफलाइन में ये सारी बुक्स का पूरा डिटेल कराया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद पॉलिटी देख लीजिए छठा से दसवां, ज्योग्राफी छठा से दसवां, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो छठा से दसवां, टोटल 35 बुक्स आपका आ जा रहा है। और एडिशनल एक चीज और हम करा देंगे कि जो एनवायरनमेंट सेक्शन होता है, वो तीसरा से पांचवा क्लास में एनवायरनमेंट सेक्शन है, इसको भी हम साथ में करा देंगे। अब इतना कराने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपका छूटेगा, क्यों आपका प्रश्न छूटेगा इतना कर लेने के बाद। इसके अलावा भी हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ये क्लासेस तो आपका रेगुलर चलेगी, लेकिन सप्ताह में 2 टेस्ट अलग से भी आपका होने जा रहा है, जो प्रत्येक शनिवार को और रविवार को फुल सिलेबस का टेस्ट ऑफलाइन मोड में 9
9 बजे से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन मोड में भी 9 बजे से स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, ये बैचेज आपको कहाँ मिलेगी, तो ये बैच मिलेगा हमारा जो ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमारा ये जो बैच है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मिलेगा। इसके बारे में भी हम लिख देते हैं आपको, ऐप का नाम है, एक मिनट, ऐप का नाम है प्लेटफॉर्म PLATFORM प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इस ये हमारे ऐप का नाम है। प्ले स्टोर में जा करके इसको डाउनलोड करके रजिस्टर्ड हो जाएंगे। यहाँ से आपको 299 में 35 किताब ऑनलाइन में, और इसके अलावा 499 में ये बैच ऑफलाइन में, कब से, 16 अगस्त से ये बैच प्रारंभ होगा। इसका टाइम होगा शाम में 6 से 9 PM, शाम में 6 से 9 PM। और हमको लगता है कि इतना कर लेने के बाद बीच बीच में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे को कभी हम मैथ का मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट चला देंगे यूट्यूब चैनल पर, कभी इंग्लिश का, कभी हिंदी का, ये तीन पेपर के लिए नहीं सोचना है। और 4 घंटे 5 घंटे का जिस समय हम 3 से 4 दिन मैराथन करा देंगे तो आपका प्रश्न पत्र उधर से भी नहीं छूटेगा। तो इस चीज़ को आप कर लीजिएगा, और हमको पूरा भरोसा है इतना करने के बाद बिहार पुलिस में बहुत कम आपको परेशानी होगी। और रिटर्न एग्जाम के लिए 99% होप रखिए, सिर्फ आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन रिवीजन कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।